sweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Hello guys, कैसे हो आप सब? I hope आप सब ठीक हो। तो स्वागत है आपका टेक्नो बढ़ान YouTube चैनल पे। तो पहले तो आप सभी को दिल से ईद मुबारक। हाँ भाइयों, ये रहा मेरे फ्रेंड का फोन। जैसा कि मैंने आपको कहा था, फुल रिव्यू लाऊंगा भाइयों आपके लिए। जो भाई ईद का दिन है, ये शूट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो ये है रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स। इसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। कैमरा टेस्टिंग करेंगे रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स वर्सेस रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। क्या ये फोन आपके लिए वर्थ परचेजिंग है 2021 के अंदर? तो मुझे पूरा वीडियो देखना यार, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको फोन लेना है नहीं लेना है। तो पहले तो हम इसकी स्टार्ट करते हैं। जो भाई लुक एंड डिजाइन की तरफ से, भाई आपको बहुत ही जबरदस्त। तो हाँ भाइयों, ये जो फ़ोन का लुक एंड डिज़ाइन है मेरे भाइयों, किलर एकदम, बहुत ही यूनिक सा और एकदम अलग ही फीलिंग देता है भैया। पर उसको हाथ में पकड़ोगे, बहुत ही सही डिज़ाइन किया गया है ये फ़ोन को। और पर्सनली भाइयों, मुझे ये कलर है ना जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया भाइयों, एकदम ही यूनिक लगता है ये फ़ोन हाथों के अंदर। तो मुझे तो पर्सनली इसका डिज़ाइन बहुत सही लगा। आपको कैसा लगा मुझे बताना नीचे कमेंट में। और इस फोन के अगर हम रियर कैमरे की बात करें तो रियर कैमरा आपको देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल। अल्ट्रा वाइड की अगर हम बात कर लें तो 8। डेप्थ सेंसर की अगर हम बात कर लें तो 5 मेगापिक्सल। और इसके अगर हम माइक्रो की बात कर लें तो जो सुपर माइक्रो इसके अंदर सपोर्ट मिलता है वो, तो वो मिलता है भैया हमको 2 मेगापिक्सल। और भैया अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले की भैया 6.67 इंचेस की काफ़ी सही है, बड़ी डिस्प्ले है। कॉलिंग के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, डुअल स्पीकर आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। और अगर हम इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो सुपर एमोलेड भाई काफ़ी सही है। बैटरी लाइफ इसकी 5000 mAh भाई, तो काफ़ी बड़ी बैटरी लाइफ है। प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले को भाई बैटरी तो कंज्यूम नहीं है। और आज मेरे पता चला भाई कहने में तो कैसा लग रहा है बताना नहीं चाहिए। हाँ भाई, आपको सब कुछ बताने वाला इस वीडियो का एंड तक देखना। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो आपके लिए ला देता हूँ। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम इसके कैमरा टेस्टिंग करेंगे। मैंने कुछ फोटोज रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स और कुछ फोटो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स से खींचे। आपको मैं सब कुछ बता दूंगा डिटेल के अंदर इसका कंपैरिजन, कि किसका कैमरा अच्छा है और किसका कैमरा नहीं अच्छा है, सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। तो चलते कुछ फोटोज क्लिक किया आपको फोटो दिखाने। तो यहाँ पे हमारा इस फोटो को देखे तो 9 प्रो मैक्स ने भी काफी सही डिटेलिंग फोटो क्लिक किए, बट रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स जो यहाँ पे बाजी मार जाता है। काफी सही अच्छी फोटो भाइयों रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स से खींची गई। और अब हम बात कर लेते हैं 108 मेगापिक्सल की, तो काफी जबरदस्त फोटो है मेरे भाइयों, आप जैसा कि देख सकते हो। और अब 64 की बात कर ले तो ये भी काफ़ी सही फोटो क्लिक हुआ है, देख सकते हो आप। आपको किसका अच्छा लगा 108 या 64 मुझे बताना। तो भाइयों, ये जो वीडियो बन रही है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स से शूट हो रही है। तो भाइयों, ये सेल्फी कैमरा है। और इसका अगर हम बैक कैमरे की बात करें तो बाहर कुछ लड़के क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, मैं उनकी वीडियो आपको बता देता हूँ दिखा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाइयों, बैक कैमरा भी काफ़ी सही है इसका, जूमिंग इन आउट आउटडोर काफ़ी सही है भाइयों। रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स से मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो आप बताना मुझे कैसा लग रहा है आपको कैमरा क्वालिटी रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के भी। अभी मैं आपको बता दूँ रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स का सेल्फी कैमरा, तो भाई ये तो एक बात तो फिक्स है भाई, सेल्फी कैमरा के अंदर 9 प्रो मैक्स बहुत ही ज़्यादा आगे है। क्योंकि रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स जो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा आता है,
और Redmi Note 9 Pro Max का जो है 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा आता है, तो भाई सेल्फी के मामले में तो 9 Pro Max आगे है मेरे भाई। और हाँ भाइयों, मैं अब आपको इसका बैक कैमरा भी दिखा देता हूँ। चलते भाइयों, बैक कैमरा भी आप देख सकते हो बापू, भाई साहब काफ़ी सही है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका भी जूमिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा सही है। आपको कौन से फ़ोन का कैमरा अच्छा लगा मुझे बताना नीचे कमेंट में। आखिरी में तो मैं आपको बता ही दूंगा कि कौन से फ़ोन का कैमरा मुझे पर्सनली अच्छा लगा और कौन से फ़ोन का कैमरा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वीडियो पॉइंट तक देखो तो कैमरा टेस्टिंग तो भाई फाइनल। हाँ भाई, मेरे लिए ये बताना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सा फ़ोन किलर है भाई। बट एक बात तो कहना चाहूँगा भाई, 9 प्रो मैक्स का कैमरा कुछ कम नहीं है भाई नोट 10 प्रो मैक्स के कैमरे से। बट नोट 10 प्रो मैक्स स्लाइटली थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, ऐसा नहीं कि मैं नोट 9 प्रो मैक्स यूज़ करता हूँ तो मैं 9 प्रो मैक्स को ही अच्छा कहूँगा भाई। जो आपके सामने क्लियरिटी में रखूँगा भाई, मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मेरे को रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स का कैमरा काफ़ी ज़्यादा सही लगा। उसका जो 108 मेगा पिक्सल वाला फोटो वो भी काफ़ी सही है मेरे भाई। वीडियो लिंक पे ऐड करता हूँ, मुझे आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर देना। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग से वीडियोस फ्यूचर में आपके लिए लाते रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल। मिलता हूँ आपसे साथ में, तब तक के लिए भाई जाने से पहले एक बात बता दूँ, फटाफट कमेंट कर देना यार, वीडियो में कुछ कमी रहेगी होगी। अगर आपको और कुछ BGMI पबजी मोबाइल जैसे कुछ टेस्टिंग वगैरह फ़ोन की चाहिए, फटाफट यार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी वीडियो बना के लेके आऊँगा। और आपको कुछ भी और अगर कुछ जानना है इस फ़ोन के बारे में तो मुझे बता देना नीचे कमेंट में, मैंने छोड़ दिया होगा। तो मिलता हूँ आपसे साथ में, तब तक के लिए।